नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर यूपीआई को लेके एक काफी ज्यादा बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही है कि यहाँ पर आपको अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो अब आपको अगर 2000 से आप कम यूज करते हो यूपीआई तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 2000 से ज्यादा यूपीआई का यूज करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहां पे भी अब आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब इसी को लेके काफी लोगों को झटका लगा है और यहाँ पर उनकी जेब पे असर पड़ने वाला है। अगर हम यूपीआई की बात करें तो हमारा जो ये यूपीआई प्रोडक्ट है काफी ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट है और इंडिया में इसका चलन काफी ज्यादा बढ़ा है। अगर हम बात करें पिछले जब से डिजिटल पेमेंट लॉन्च हुआ है तब से अगर हम अब की बात करें तो यहाँ पे 60% लोग ज्यादातर यूपीआई का ही यूज करते हैं। अगर उन्हें कोई रिक्शे का किराया देना है या फिर उन्हें कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदना है या फिर कोई गोल्ड खरीदना है तो यहाँ पे वो डायरेक्ट यूपीआई करते हैं। यहाँ पर वो अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं करते, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करते। यहाँ पर एक इफेक्ट ये भी पड़ा है कि जितने भी डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है उसका यूज काफी ज्यादा कम होने लग गया है जब से यूपीआई स्टार्ट हुआ है। अब यूपीआई स्टार्ट होने के बाद अब कुछ लोगों के मन में ये डर फैल गया है कि यहाँ पर जो चार्जेस लगने वाले हैं उसको लेके काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आ गई है लोगों के अंदर। एक तरीके का डर हो गया कि अब हम यूपीआई पे भी हमें चार्जेस देना पड़ेगा। तो उससे सामने ये आया है कि एनपीसीआई ने जो यहाँ पर एक सर्वे किया है जितने भी गांव में कस्बों में काफी ज्यादा यहाँ पर कि जितने भी यूपीआई यूज कर रहे हैं क्या वो ये चार्जेस देने के लिए तैयार है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 22% लोगों ने यहाँ पर हाँ करा है कि अगर आप चार्जेस भी लगाओगे तो हम चार्जेस देने के लिए तैयार है, हम यूपीआई यूज करना नहीं छोड़ेंगे। बट यहाँ पर 75% लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसे चार्जेस यूपीआई पे लगते हैं तो हम उसको यूज करना बंद कर देंगे, हम बिल्कुल भी यूपीआई नहीं यूज करेंगे, हम अपना वही डेबिट कार्ड यूज करेंगे या फिर हम कुछ ना कुछ मतलब कैश में लेनदारी होगी। तो यहाँ पर एनपीसीआई का यही सर्वे है, गवर्नमेंट का एक सर्वे के मुताबिक यही कहना है कि कुछ लोगों का कि वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं कि भाई हम यूपीआई प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे, हम बिल्कुल भी यूपीआई यूज नहीं करेंगे। 75% लोग अगर बंद कर देते हैं तो इससे गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा अगर डिजिटली पेमेंट हमारा दोबारा बंद हो गया। क्योंकि यहाँ पर सबसे जो फेमस है हमारा इंडिया वो एक यूपीआई को लेकर ही है कि हमारा जो पूरा इंडिया है डिजिटल पेमेंट है, यहाँ पर 60% से ज्यादा लोग यूपीआई ही यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर सर्वे की बात करें कि यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें यूपीआई कई अरबों मतलब ये लगा लो आप 150 अरब से भी ऊपर यहाँ पर यूपीआई हुआ है, डिजिटल पेमेंट इंडिया ने यूज किया है। तो इसको देख के यहाँ पर एनपीसीआई ये फैसला लेने वाली है, गवर्नमेंट ये फैसला लेने वाली है कि सबसे ज्यादा यूपीआई ही यूज होने हो रहा है तो क्यों ना इस पे चार्जेस लगा दिए जाए। पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि यहाँ पर ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और क्या आप फ्यूचर में अगर यूपीआई पे चार्जेस लगते हैं तो क्या आप इसको यूज करोगे या फिर नहीं करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अभी तक आप इस चैनल पर नए हो ऐसी और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।